कैरियर प्रोड्यूसर, अब आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रहा। मैं महेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पूरा मेंस्ट्रुएशन इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल हो तो सब साइड अलग अलग होंगे, तो उससे एस का वैल्यू निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और फिर इस फार्मूला में रख दीजिए, ए इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका यूनिट होगा, अगर साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। व्हेन एच एंड बेस आर गिवन, मतलब हाइट और बेस दिया है तो सिंपल होगा, एज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ए चूँकि सभी साइड तो बराबर ही होते हैं इसलिए रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर होता है, यूनिट तो वही होगा। पेरिमीटर इसका क्या होगा, तीनों साइड बराबर थे, ए प्लस ए प्लस ए, थ्री ए हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रिथ, अगर लेंथ ए है ब्रिथ बी है तो लेंथ इनटू ब्रिथ सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरिमीटर क्या होगा, देखिए दो बार ए ऐड होगा दो बार बी ऐड होगा तो पूरा घेरा जो है ये मालूम हो जाएगा, तो ट्वाइस ए प्लस बी, ये लेंथ है तो लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर होता है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड अगर ए है सभी साइड बराबर होते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पेरिमीटर चूँकि चारों साइड इक्वल होते हैं तो फोर ए के बराबर, सिंस फोर साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर सो पेरिमीटर इज इक्वल टू फोर ए। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ डी वन डी टू, डी वन क्या है, डी वन जो है डायगोनल का लेंथ है, दोनों का दिया हुआ है तो हाफ डी वन डी टू हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस दिया है हाइट दिया है तो बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वन बाई टू इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये और ये है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर रेडियस होता है, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है टू पाई आर, सर्कमफेरेंस इक्वल टू टू पाई आर, ये तो याद रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, एरिया बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया है क्या पाई आर, इसको सर्कल है इंटू हाइट तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है टू पायर इंटू एच, अगर इसको फोल्ड करें खोलें इसको तो ये जो टू पायर है वो विड्थ में बदल जाएगा, हाइट तो वही रहेगा तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा टू पायर एच। कर्व सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये दो ये सर्कल का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच, टू पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमेशा याद रखिए कि सिलेंडर का वन थर्ड होता है,
सी एस ए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वेयर एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल तो होगा ही कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ये इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम है तो अगर एक का सेंटीमीटर है 3 बार मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, एक तो कर्व सरफेस होता है 2πr² और ऊपर का एक सर्कल πr² तो 3πr². लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये क्या होता है, स्फीयर के एरिया का आधा होता था 2πr² हो गया, सिर्फ बाहर वाले को लेटरल बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अगर साइड का लेंथ ए बी सी है तो ए इंटू बी इंटू सी। और सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब ए इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, बी इधर आएगा इधर भी आएगा, सी इधर है और इधर भी आएगा, इसलिए ट्वाइस करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाए तो ये तीनों बराबर होता है तो एक क्यूब हो जाएगा, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6a² सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल तो सभी बराबर है, तो ये 6a² हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसके मेंसुरेशन क्या है, कोई भी सवाल हो वो आराम से बनेगा। अगर आपको फंडामेंटल मालूम हो गया कि फार्मूला कैसे बनता है तो आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फायदा इसका ले सके। ठीक है, धन्यवाद।